मुझे मिला है फ्री में। चैनल और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा फेवरेट फेस्टिवल आ रहा है जो कि है दिवाली। और दिवाली सीजन का मतलब होता है बहुत सारी शॉपिंग, और क्योंकि अमेज़न पे चल रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, इसलिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मींस मैंने सेल का फायदा उठाया। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों को लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा अलग लग रहा है? सो एक्चुअली मैं हूँ अपने नए वाले घर पे, मींस हम लोग कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हुए हैं बट शिफ्टिंग चालू है। सो हम लोग कभी इधर रह रहे हैं कभी उधर रह रहे हैं। सो अगर आपको वो शिफ्टिंग वाला ब्लॉग देखना है तो फिर आप मिशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी आने वाला है। एंड दिस इज ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो इन आवर न्यू होम इन माई चैनल। सो या इस बात पे लाइक कर दो। सो बिकॉज अभी अमेजोन पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे चल रहा है 60% डिस्काउंट, सो मैंने आज बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। उसमें से फर्स्ट है दिस लॉरेल पेरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। मीन्स ये काफी ज्यादा हाइप है करेंटली, सो मैंने सोचा लेट्स गेट माई हैंड ऑन दिस। बाय द वे इन सभी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वो चेकआउट जरूर कर लेना। इज इट वर्थ दी हाइप? आई एम रियली लविंग द पैकेजिंग, लुक एट दैट। पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छा है, अच्छा सा प्लास्टिक का ही केस है बट स्टिल नाइस। बॉन्ड इज रियली वेरी नाइस। काम करते हैं, मैंने मसाला लगाया हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा लगा के ट्राई करते हैं। वाओ, इट इज वॉल्यूमिनस मैन, लुक एट दैट। व्हाट आई फील इज ये डेफिनेटली वर्थ द हाइप है, बहुत अच्छा है। तो चलो फर्स्ट प्रोडक्ट तो मुझे पसंद आया, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम हैविंग इज ऑफ मनीष मल्होत्रा। सो मनीष मल्होत्रा का लहंगा मैं बाद में लूंगी कि नहीं लूंगी वो देखा जाएगा, फिलहाल मैंने लिपस्टिक ले लिया है बिकॉज ये अभी सेल चल रहा है ना, तो लिपस्टिक काफी सस्ते में मिल गया मुझे। उस टाइम पे अगर सेल चलेगा तो फिर लहंगा भी मिल जाएगा। इस पे मनीष मल्होत्रा प्रिंटेड है। बाय द वे लुक एट द कलर, आई लव न्यू शेड्स एंड दिस इटर्नल रोज लुक, व्हाट इज सो बटरी, बहुत ज्यादा अच्छा है। स्मेल्स आल्सो वेरी वेरी नाइस। वैसे मैं लिपस्टिक लगाई हुई हूं बट स्टिल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी बटरी एंड वेरी स्मूथ। मुझे ना पर्सनली बुलेट लिपस्टिक ज्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू लिक्विड लिपस्टिक, सो आई थिंक मुझे काफी ज्यादा अच्छा न्यूड शेड मिल चुका है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और नेक्स्ट है मेरे पास, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने सुना बहुत है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इट इज एच डी कंसीलर बाय स्विस ब्यूटी, दिस इज कंसीलर पेन। काफी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ पेन, लुक एट दैट। ओके सो अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने ऑफ कैमरा ही ओपन कर दिया, बट खैर कोई बात नहीं। और मेरा काफी सारा कंसीलर नीचे भी गिर गया बट कैमरे में नहीं आया, कोई बात नहीं। एंड हियर इज द स्वच ऑफ दिस कंसीलर, इट इज वेरी वेरी स्मूथ बट मेरे ख्याल से इसका जो शेड है ये थोड़ा सा डार्क है। सो मैंने मंगवाया है, दिस इज क्रीमी बेज नंबर 2, सो आई थिंक नंबर 1 विल गो परफेक्ट इन माई स्किन टोन। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड जो कि मुझे काफी दिनों से मन कर रहा था टू ट्राई इट आउट बट मैंने नहीं मंगवाया था। दिस इज ग्लो सीरम फाउंडेशन फ्रॉम मामा अर्थ एंड इट इज ऑल्सो हैविंग विटामिन सी एंड टर्मरिक, सो देखते हैं कि ये कैसा है। ये सिरम फाउंडेशन है सो बहुत ज्यादा थिक नहीं, आई एम नॉट वेरी एक्सपेक्टिंग वेरी मच हाई कवरेज, सो वॉटर इज लाइक दिस, वेरी स्मूथ। ऐसा लग रहा है कि शेड ये लाइट है बट ऐसा है नहीं बिकॉज ये सिरम फॉर्म में है ना, सो इट विल लाइक मिक्स ऑन योर स्किन लाइक सिरम जैसे ब्लेंड हो जाएगा, नॉट लाइक फाउंडेशन। इट विल गिव यू लाइट कवरेज बट अगर आपको ऐसा है नो मेकअप काइंड ऑफ मेकअप करना है जिसमें को थोड़ा सा डूई हिंट चाहिए होता है, सो दिस इज रियली वेरी नाइस। स्मेल्स ओके, तो लुक एट द कवरेज, लुक हियर एंड हियर। नेक्स्ट आई एम हैविंग दिस फेस कैनेडा कॉम्पैक्ट पाउडर। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, मीन्स इसका MRP 225 है बट आपको अमेजोन पे काफी ज्यादा अच्छे रेट पे मिल जाएगा। ये
रहा पैकेजिंग, सिंपल सा जनरली नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट होता है वैसा ही है, और ये रहा इस पे एफ एम्बेडेड है। शेड भी अच्छा है, पता नहीं मुझे ये खराब करने में बड़ा बुरा लगता है। गिव्स यू मैट फिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास टिंट। ओह माय गॉड, आई लव टिंट। सो आई एम हैविंग दिस टिंट फ्रॉम द फेस शॉप। मैं इसे यूज कर चुकी हूँ एक बार, क्योंकि मुझे लगा दिखाने से पहले वाले मुझे ट्राई करना है यार, सो मैंने ओपन कर लिया। इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी वाटरी टेक्सचर है। सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा जल्दी स्टेन हो जाता है इसमें। लाइक ये मैंने लगाया फॉर 2 सेकंड्स एंड ये दिख नहीं रहा, बट जहां तक मैंने अज्यूम किया लुक एट दिस, लाइक जहां पे मैंने प्लेस किया वहां पे तुरंत स्टेन हो जाता है ये। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। ये स्टेन जो है ये आसानी से नहीं जाने वाला है, ये आज पूरे दिन रहने वाला है। नेक्स्ट आई एम हैविंग दिस L'Oréal Paris Revital Lift Crystal Cream। इट इज फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, ऑयल फ्री, सैलिसिलिक एसिड इंफ्यूज बेसिकली। ये तो ऐसे बीच में मेकअप के स्किन केयर आ गया, बिकॉज अगर आपका स्किन अच्छा होगा तो फिर आपका मेकअप भी ज्यादा फ्लॉलेस होता है। एंड ग्लास बॉटल, यू मस्ट ऑल बी नोइंग दिस, वेरी मच फेमिलियर होंगे मेरे ख्याल से आप सबों को इस जेल क्रीम से। मुझे लगा था बस गिर ना जाए, पता मेरे साथ हमेशा होता है, मैं कोई भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ ऐसे वो पता चल गिर जाता है, बट ये नहीं गिरा। इट्स मच नाइस। इसमें मेरे पास इसके साथ है रिवाइटल लिफ्ट हाइड्रोलॉरिक एसिड विद ये इन सीरम फॉर्म। सो मैंने सोचा कि अगर स्किन केयर कर रहे हैं तो कम्प्लीटली पूरा पैकेज ही मंगवा लेते हैं। सो मैंने जेल क्रीम भी मंगवा लिया और सीरम भी मंगवा लिया, एंड दीज डेज आई एम लिटरली वेरी मच इनटू सीरम, और मैं एक साथ काफ़ी सीरम्स यूज़ कर रही हूँ, शायद इसका नतीजा है, आई डोंट नो। एनी वेज मैं एक ही करके ट्राई करूंगी ताकि मुझे पता चले कि कौन सा चीज़ है जो मुझे सूट नहीं करता है। I don't know why मुझे फीलिंग आ रहा था कि मैं यहाँ से पकड़ी और ये गिर गया, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। कि ये इतना ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, एंड आई एम हैविंग गॉट ड्राई स्किन, और अभी विंटर सीजन आ रहा है सो फिर दिस विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट आई एम हैविंग 2 लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी। वैसे स्विस ब्यूटी का मैंने एक मेकअप सेटिंग स्प्रे भी मंगवाया है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे क्या आपको इसके पैकेजिंग को देख के कोई किसी और ब्रांड की याद आ रही है? इट मीन्स इसका जो है पैकेजिंग वो काफी ज्यादा मैच करता है हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक के साथ। एनी वेज तो देखते हैं कि ये कैसा है। आई एम हैविंग 1 in shade 03 एंड 1 in 07 03। इट इज हैविंग मैग्नेटिक, यू नो मैग्नेटिक पैकेजिंग, जो मैग्नेट काफी ज्यादा अच्छा है, एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल ऑरेंज कलर। बहुत सा केमिकली काइंड ऑफ स्मेल है इसका, बट कलर इज रियली वेरी नाइस। देखते हैं ये नहीं जाने वाला है। एनीवेज काफी ज्यादा यू नो डार्क ऑरेंजिश कलर है। इनफैक्ट ये जो पैकेजिंग है ना काफी ज्यादा मैच करता है उससे, और ये अनुकृति को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना अनुकृति? इज लाइक चलो कुछ तो मेरे पसंद का लिपस्टिक मंगवाई, बिकॉज शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड बाई मी कि मैंने मनीष मात्रा वाला लाइट शेड मंगवा लिया है और मुझे बहुत गुस्सा है वो, लाइक ऐसा क्यों किया तूने। तो एनीवेज चल ये तू यूज कर लेना, और ये 07, ये देखते हैं कैसा शेड है। ये मेरे पसंद का न्यूड शेड, सारे एक जैसे लिपस्टिक नहीं, एक जैसा नहीं है, अलग है दोनों लिपस्टिक में। सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगता है, जनरली एक ब्रांड के ना बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ शेड्स है तो काफी सिमिलर होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा अलग है। सो काफी ज्यादा अच्छा है, मैट लिपस्टिक है, काफी बटरी, बहुत ज्यादा इजिली स्लाइड भी हो गया। और एक और बात मैंने कहा वो मैं बताती हूँ, like, oh my God। Anyways, मैं साथ में ये स्विस ब्यूटी का मंगवाया है लिप ग्लॉस, ये सिंपल सा ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है, और बिकॉज मैंने अभी सिर्फ लिपस्टिक लगाया हुआ है इसलिए क्यों ना लिप ग्लॉस लगा लिया जाए। okay, कोई बात नहीं, चले अच्छा है। सो नेक्स्ट आई एम हैविंग दिस लास्ट लिपस्टिक, ये है माई ग्लैम की तरफ से। पैकेजिंग इज रियली वेरी नाइस, व्हाइट कलर का है। इनफैक्ट इट इज एग्जैक्टली matching with this, exact match कर रहा है ये। I just show you the swatch. बहुत ज़्यादा pretty color है, means अगर आप complete ready हो गए ना it will look very beautiful। अगर आप
परफेक्ट सा इवनिंग नाइट पार्टी होगा, ब्लैक ड्रेस पहनेंगे एंड यू विल हैव दिस लिपस्टिक, यू विल लिटरली रॉक द पार्टी. सो दिस इज रियली वेरी नाइस. और बाय द वे इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा शाइनी काइंड ऑफ है. तीनों लिपस्टिक जो मैंने मंगवाई ये तीनों बिल्कुल ही अलग है. आई डोंट नो कैमरे में कैसा लग रहा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इसके साथ एक और मैंने मंगवाया था वो मनीष मल्होत्रा वाला, वो मैंने यहाँ पे सर्च नहीं किया, मिस किया था, मैंने मिटा दिया. वो भी बहुत ज्यादा अलग था इससे. और मैंने बोला कि दिस इज द लास्ट लिपस्टिक बट आई प्रॉमिस ये वाला लास्ट है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज ये मुझे मिला है फ्री में एंड इट इज बेबी लिपस्टिक फ्रॉम शुगर. लाइक आई ऑर्डर सो मच, सो मुझे Amazon ने फ्री में लिपस्टिक दिया. सो यू नो फ्री का चीज ज्यादा बेटर लगता है. काफी ज्यादा छोटा सा है जो ट्रेवल फ्रेंडली है. लुक एट दैट, इट इज सो क्यूट यार, मींस बहुत ज्यादा क्यूट है. इट इज इन द शेड 44 पीच पीच. ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है बट इतना छोटा मुझे लग रहा है ये तो खत्म हो जाएगा यार. जनरली लिपस्टिक खत्म नहीं होता बट ये खत्म हो जाएगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम हैविंग दिस स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शैडो पैलेट. ये काफी बेसिक सा शैडो पैलेट है जिसमें कि काफी न्यूड, सारे न्यूड शेड्स हैं और अफोर्डेबल भी है. सो मैंने मंगवा लिया. इसमें बहुत सारे शेड्स है और एक शिमर शेड भी है, ऑरेंज का शेड है, ब्राउन का शेड है. तो आप इसको ब्रॉन्जर जैसे काइंड ऑफ भी यूज कर सकते हो, आई शैडो जैसे भी. इज रियली वाओ, कितना अच्छा ऑरेंज कलर है यार. एक और कलर है. So it is really very very pigmented, so काफी ज़्यादा अच्छा है. So that were all the products. I hope तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो. इन सभी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो जरूर चेकआउट कर लेना बिकॉज मुझे सभी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, नमस्ते.